मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर पंचायत में 7 माह पूर्व हुए अवैध खनन को लेकर पुलिस पर हुए हमले और अवैध खनन का मामला पुलिस मुखिया पति सह राजद नेता को मनेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोबारा हंगामा न हो इसके डर से रूपसपुर थाना में लाया गया, जहां मुखिया ने खूब ड्रामा किया। पुलिस ने किसी तरह शांत कराया। मुखिया पति सह राजद नेता की पहचान निराला कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तारी में मुखिया पति को लाने और ले जाने के लिए वज्र वाहन को बुलाना पड़ा। मुखिया पति को वज्र वाहन से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुखिया पति को 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी। मुखिया को लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुखिया के लिए पुलिस लाइन से पुलिस वाहन भी मंगवाया गया, जिस वज्र वाहन पर मुखिया को वहां से यहां लाया गया, फिर थाने से जेल भेज दिया गया। दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुखिया पर पुलिस पर मामला है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ साथ अवैध खनन का भी मामला दर्ज है, जिसका कांड संख्या 100/21 दर्ज है। स्वर्णरानी के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। क्या मामला है? कल मनेर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। वो मुखिया का हस्बैंड है और एक पुराना केस में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पुलिस पे हमला और अन्य धाराओं के तहत केस हुआ था, उसमें कल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसमें सर हंगामा होने की भी बात, अरेस्टिंग के बाद कुछ उनके पक्ष के लोग आकर के थाने पे बैठे थे, कुछ देर समझाने बुझाने पे मामला शांत हो गया था। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।